आगरा में श्री खाटू श्याम जी स्वयंसेवक परिवार की ओर से नए साल के उपलक्ष्य में द्वितीय भागवत कथा एवं खाटू वचन संध्या का आयोजन कराने जा रहा है। 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2023 तक भागवत कथा का आयोजन एवं 6 जनवरी को दोपहर में भंडारा एवं शाम को खाटू भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कोलकाता के प्रसिद्ध भजन गायक सौरभ शर्मा के भजनों की बयार बहेगी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आगरा के कई माननीय मंत्री एवं विधायक शामिल होंगे। श्री खाटू श्याम जी स्वयंसेवक परिवार के अध्यक्ष ने पोस्टर विमोचन के दौरान बताया कि 28 दिसंबर को मेहंदी का प्रोग्राम जयपुर हाउस में स्थित अष्टभुजा मंदिर प्रांगण में 500 महिलाओं को मेहंदी लगाकर किया जाएगा एवं 29 दिसंबर को 501 कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी महिलाएं पीले वस्त्रों में नजर आएंगी। कलश यात्रा पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने के दौरान अष्टभुजा मंदिर पर समाप्त होगी। कार्यक्रम के दौरान अष्टभुजा मंदिर प्रांगण में करीब 2500 से 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है एवं भागवत कथा में आए हुए सभी भक्तों की सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाएगा। श्री खाटू श्याम परिवार के द्वारा 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक श्री भागवत कथा का एक आयोजन और जिसमें मुख्य प्रबंधन से चित्रा लेखा जी के द्वारा आगरा के अंदर प्रथम बार वो आ भी रही और उनके यहाँ काफी भक्त भी है आगरा के अंदर और उसमें मुझे लगता है कि वो सैलाब यहाँ देखने को मिलेगा। और 7 में 6 तारीख को खाटू श्याम जी की भजन संध्या जो कोलकाता से सौरभ शर्मा जी अपने गायकार हैं वो आएंगे और आगरा को गुंजमान करेंगे। मैं आप सब चैनलों के माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आगरा जनपद के वासियों से एक अपील जरूर करूंगा कि देवी चित्रा लेखा जी को सुनने के लिए 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक जरूर प्रताप नगर जयपुर हाउस पर आवे और उनको भागवत कथा में सुने और 6 तारीख को खाटू श्याम जी की जो भजन संध्या है तो सौरभ शर्मा गायकार है, इंडिया लेवल के गायकार है, भजन संध्या गाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।